अरे वकील तो है, यदि केस में हार भी जाओ तो वकील का क्या जाएगा, उनको तो शुल्क मिल चुका है, हारेगा जो व्यक्ति है वो हारेगा। तो सही उच्चारण पंडितों को करना जरूरी है। आज स्वयं उच्चारण क्या करो, कुछ कुछ मंत्र का खुश हो जाते हैं। अब पंडित जी तारेंगे बेचारे, वो पढ़ रहे हैं, भारी भक्षत भी कर दिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो सही अर्थ का उच्चारण करना बहुत जरूरी है, तब ठीक बनता है। ध्रुव जी के इस मंत्र जाप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। गरुड़ पर बैठकर भगवान मधुबन पर दर्शन दिए। बेटा ध्रुव नयन खोलो, मैं आ गया हूं, नयन खोलो। हृदय पर भगवान विराजे थे, नयन नहीं खोल रहा था। तब भगवान ने हृदय वाले रूप को छिपाया, ध्रुव व्याकुल हो गया। चतुर्भुजी पितामरी वाले भगवान को सम्मुख देखा। अब भगवान पहले दर्शन दे दिए, तब क्या करना है समझ नहीं पाया बेचारा। सब लोग बोलते हैं शंकर भगवान दर्शन दीजिए, दुर्गा मैया दर्शन दीजिए, और सही में दर्शन दे देंगे तो कैसे करोगे। शंकर भगवान आ गए, ले बेटा मैं प्रसन्न हूँ, काला नाग को ले प्रसाद रख पाओगे। दुर्गा मैया आ जाएंगी शेर में गरजते हुए, जी के सामने खड़े हो पाओगे क्या, एक कुत्ता को देख कर डरते। पकड़ भैया पकड़, बड़े भक्ति से पूजा करते हैं, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो। भगवान दर्शन उस रूप में नहीं देते तभी कीमत है। और रोज भगवान चाय नाश्ता करने को आ जाए, कितना दिन कराओगे। एक आध बार 7-9 दिन का यज्ञ कराने में मजा आता, रोज रोज खाने को आ जाए तो भगवान की पूजा पाठ बंद। अरे जिस समय ड्यूटी जाना रहता है उसी समय होशियार आग बैठ जाता है, खुद कर दे नहीं बनता। भगवान ने दर्शन दिया, अब ध्रुव समझ नहीं पाया क्या करना है। पहले प्रणाम करते हैं, भोग लगाते हैं। ध्रुव ने बोला मैं खुद भूखा, इसको कहां से खिलाऊंगा, कहीं बैठाऊं, मैं खुद खड़ा हूं, इसको कहां बैठाऊंगा। ऐसे भक्त होते, कहां बैठाया जाए। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है वंदन और गोपी जी का चंदन। सब पूजा करो और वंदना नहीं करोगे भगवान प्रसन्न नहीं होते। और चंदन से ज्यादा शांति वंदन से मिलती है। किसी आदमी को चंदन लगाओगे तो उतना खुश नहीं होगा जितना उसके प्रणाम करने से खुश हो जाएगा। अरे भैया प्रणाम किया यार, तो वंदन में बहुत गुण है। भगवान विष्णु ने शंख को छुआया, चारों वेद को याद आ गया, प्रभु महाराज स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए और बोले बेटा वरदान मांगना हो मांग ले। ध्रुव ने कहा बस प्रभु आपके गोद में बैठना चाहता हूँ। भगवान ने कहा और तुम्हारी राज्य चलाने की भी तो इच्छा है, तो जा बेटा भी राज्य चला, बाद में मैं तुम्हें अचल लोक प्रदान करूंगा जो कभी मिटेगा नहीं। ध्रुव भगवान के आशीर्वाद पाए वापस आए। राजा उत्तान पास सुरुचि सुनीति को पता चला, स्वागत के लिए सब द्वार पर खड़े थे। बाद में ध्रुव राजा बने, और राजा बने तो 36,000 वर्ष तक राज्य चलाए। एक बार ध्रुव का भाई उत्तम जंगल की ओर गया था, यक्षों ने मार दिया। ध्रुव ने यक्षों के संग युद्ध किया, मनु ने समझाया, ध्रुव शांत हो गए और ध्रुव भी अच्छे से राज्य चलाए। अंत समय आया तो हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखर से भगवान को याद करते छलांग लगाए। उत्तर दिशा में आज भी ध्रुव लोक है, तो मस्तक में एक ध्रुव तारा रहता है, उत्तर दिशा में एक ध्रुव तारा रहता है। उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोओगे तो आदमी पागल हो जाता है, ज्यादा गुस्सा वाला हो जाता है। उत्तर दिशा सिर नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिशा को सिर करो तो यमराज प्रसन्न हो जाता है, मुझे प्रणाम कर रहा है करके। सिर दो ही दिशा करके सोना चाहिए, या तो दक्षिण दिशा को सिर करे नहीं तो पूर्व दिशा को सिर करे। जो व्यक्ति पूर्व दिशा को लात करता है तो गरीब हो जाता है, और जो व्यक्ति दक्षिण दिशा में लात करता है तो वो रोगी रोग से ग्रसित हो जाता है। ये ध्रुव की पावन कथा है,
जो 6 महीना में भगवान को पा गए। तो भगवान को पाने के लिए कोई उम्र की आवश्यकता नहीं है, बस लगन होना चाहिए। उसी जंगल में एक और पंडित जी पूजा कर रहे थे, उनको पता चला ध्रुव को भगवान ने दर्शन दे दिया और मैं पूजा करते करते मरने कगार आ गया, भगवान दर्शन नहीं दिए, बेकार है, भगवान के पास भी रिश्वत चलता है। वो राजा का बेटा, भगवान जल्दी आ गए, नारद जैसे गुरु था उसका, भगवान जल्दी आ गए, माला माला को उठा पटक दिया, भगवान की मूर्ति को फेंक दिया, मैं भी ज्यादा पैसा कमा लूंगा तब भगवान दर्शन देंगे। पंडित जी वापस आ रहा था तो भगवान ब्राह्मण के रूप बनाकर दर्शन दिए। बोले महाराज जी कहाँ जा रहे हो बाबा? पंडित जी ने कहा क्या बताऊं, अरे मैं इतने दिन से पूजा कर रहा हूं तो आए नहीं, और वो 6 महीना पूजा किया, दर्शन दिए और चले गए, इसलिए मैं पूजा पाठ करना नहीं चाहता। भगवान ने कहा अभी भगवान से मिलवाऊं क्या? हाँ बिल्कुल चलिए, गंगा पार ले जाकर एक घनघोर जंगल में ले जाकर भगवान खड़ा कर दिए, जहां पर हड्डी का ढेर था, ये ले देखो भगवान को। पंडित जी बोला क्यों मजाक करते हो बाबा, हड्डी भगवान कहते हो? भगवान ने बताया पंडित जी इसी स्थान पर ध्रुव 99 जन्म तक तपस्या किया था, ये ध्रुव की हड्डियां हैं और 100वें जन्म में भगवान को पाया है और आप 1 जन्म में हड़बड़ा जाते हो। तो उस पंडित की कथा नहीं, हमारी आपकी कथा है। 2-4 माला जाप करते उसके बाद अरे भगवान सुनता नहीं, दूसरे भगवान की पूजा करेंगे, तो इंतजार करना पड़ता है तब भगवान सुनते हैं। बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। सारा है सारा जमाना शाम हमको भी तारो, 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 प्रहलाद को तारा ध्रुव को तारा, प्रहलाद को तारा ध्रुव को तारा, प्रहलाद को तारा करके कोई बहाना करके कोई बहाना जब हमको भी तारो, तारा है तारा जमा तारा है तारा जमाना शाम हमको भी तारो। को तारा सुदामा को तारा, सबरी को तारा सुदामा को तारा, सबरी को तारा सुदामा को तारा, पैरों का जय हो, पैरों का करके बहाना, पैरों का करके बहाना शाम हमको भी तारो, तारा है तारा जमा सारा जमाना शाम हमको भी तारो, तारा है तारा है तारा है, तारा है तारा है तारा है, तारा है तारा जमाना, तारा है तारा जमाना।
जमाना जब हमको भी तारा है सारा जमाना जब हमको भी तारा है सारा जमाना जब हमको भी नाया हम देह देह भाजम नीलो के कष्टान कामन हरते भुजामये तपो दिव्यं पौत्रकायेन सत्वं शोधये दयस्माद् ब्रह्म सौख्यं तना महत् सेवादार माहु मुक्ति इष्टमो द्वारमयो सिदा संगे संगमं महान्तस्ते समचिता प्रसन्नता विमन्युः जय भक्त और भगवान की जय। भागवत प्रेमी सज्जनों शक्ति स्वरूपावाताओं परम सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजन ये भगवान की महती कृपा की कथा है। जो व्यक्ति ध्रुव चरित्र की कथा श्रवण कर लेते हैं तो हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। परमात्मा सदा अपने भक्तों के लिए अनेक अवतार लेते हैं। इसी अन्य चरित्र को परमहंस सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाए। इसी चरित्र में सती माता के चरित्र को सुनाए जो भगवान शिव जी की पत्नी थी दक्ष की पुत्री। दक्ष जब प्रजापति बना अभिमान हुआ भगवान शिव जी का अपमान किया और हरिद्वार के कनखल में जाकर बृहस्पति अशव यज्ञ करवाया भगवान शिव जी को अपमानित करने के लिए। शिव जी को यज्ञ में नहीं बुलवाया। शंकर जी के मना करने के बाद सती माता गई और उस यज्ञ में देह को त्यागी। फिर भगवान शिव जी के जटा से वीरभद्र प्रकट हुए जिन्होंने यज्ञ को विध्वंस किया। पार्थिव देह को लेकर भगवान शिव जी धरती पर भ्रमण किए। भगवान विष्णु ने चक्र के द्वारा सती माता के देह का विखंडन किया। देवी माता का देह 51 भाग में टूटे। 40 शक्तिपीठ हमारे भारत में हैं और 10 शक्तिपीठ भारत से बाहर है और एक शक्तिपीठ का भी पता नहीं चला। ये सती के चरित्र को भी परमहंस सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। फिर जब पंचम स्कंद आया तो पंचम स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने मनु शत्रुपा के बड़े पुत्र प्रियव्रत के चरित्र को सुनाया। प्रियव्रत के कुल में नाभि हुए। नाभि का पुत्र आग्निद हुआ। आग्निद के पुत्र साक्षात विष्णु भगवान के अवतार ऋषभ देव हुए जो जैन के प्रथम तीर्थंकर तीर्थंकर है। जैन धर्म की स्थापना करने वाले भगवान ऋषभ देव है। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए जिनमें बड़े वाले पुत्र का नाम भरत पड़ा जो चक्रवर्ती सम्राट बने। ऋषभ देव जहां भी जाते थे तो पागल की तरह बर्ताव करते थे जिससे लोग मुझसे दूर जाएं, क्योंकि ज्यादा लोगों के काम के रहोगे ना तो भगवान की पूजा पाठ नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति भगवान के काम का रहता है वो संसार के काम का नहीं और जो संसार के काम का रहता है वो भगवान के काम का नहीं। पागल की तरह रहते थे। शिव जी के मंदिर पर जावे तो अपने पैर को शिव जी पर रख करके बैठ जाते थे। मल मूत्र त्यागे तो शुद्ध नहीं होते थे, फिर भी इनके मल मूत्र से चंदन का विशेष सुगंध निकलता था। अंत में ऋषभ देव भरत को राजा बनाए और पागल की तरह ही विचरण करते थे। पहले तो अच्छा उपदेश दिए और बाद में विरक्त रहते थे। कोई कंकड़ पत्थर भी फेंके तो मुस्कुराते थे। कोई मल मूत्र का छींटा मार दे इनके शरीर पर तो भी मुस्कुराते थे। ये सब शरीर पर लगता है, मेरी आत्मा तो सहज अचेतन अमल जो हर प्रकार से पवित्र है, बिल्कुल निश्चिंत रहते थे। भरत जब राजा बने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किए और उसके बाद ब्रह्मचर्य गृहस्थ बिताने के बाद वानप्रस्थ की वायु में जंग अवस्था में जंगल चले गए।
रानी का जब अंत हुआ उसके बाद भरत उसी जंगल में रहकर भगवत भागवत भगवान की स्तुति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे। भरत ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हैं कि इतना बड़ा रथ बनाए थे, जिस रथ से 7 बार प्रदक्षिणा किए तो उसी से 7 द्वीप बने हैं, 7 सागर बने हैं उनके रथ के पहिया के नाम से। तभी हमारे इस भूमि को भारत भूमि कहते हैं भरत के नाम से। महान पराक्रमी हुए भरत, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन कल क्या हो जाए किसे पता, भगवान क्या चाहे ये भगवान ही जाने। एक बार भरत गंडकी नदी में स्नान करने को गए, सूर्य नारायण को स्नान करके अर्घ दे रहे थे। तभी एक गर्भिणी मृगी जल पीने को नदी पर आई थी। जल पीने के लिए जैसे सिर को झुकाई, तभी जंगल का राजा सिंह जोर से गर्जना किया। गर्जना को सुन करके मृगी उस बहती जल पर छलांग लगाई, गर्भ से मृग शावक जल पर गिर गया और मृगी आगे जाकर कंदरा में प्राण को त्याग दी। बहते हुए मृग शावक को देखकर भरत का हृदय द्रवित हो गया। ये छोटा सा शावक माता के मरने के बाद इस जल पर मर जाएगा और उस मृग को जीवन दान दिया। कुटिया पर लाया, दूध पिलाया, अग्नि पर तपाने लगा, हरी हरी घास लाकर खिलाने लगा। मृग शावक बड़ा हो गया तो मृग कहीं ध्यान में लीन रहता था, भगवान को भूल गया, हमेशा मृग पर ही मगन रहता था। क्योंकि हर व्यक्ति का मन एक ही होता है, एक जगह लगने के बाद भगवान के पास नहीं लग सकता है। राज्य को त्याग कर आया और मृग शावक से मोहित हो गया। सबसे कठिन है माया, जिसके चक्कर में हर कोई फंस जाता है। जिस पर मायापति की कृपा होती वही इस माया को जीत पाता है। क्या ब्रह्मा क्या शिव जी इस चक्र पर सब पिसाते हैं। एक धरती और दूजे गगन दोनों पाट के बीच पर सब पीस जाते हैं। जिन पर प्रभु की कृपा हुई वही प्रभु को पाते हैं। मृग पर ही मगन रहते थे, मृग उछल कूद मचाए तो राजा बहुत प्रसन्न रहता था। धरती बड़ी भाग्य वाली, इनके कोमल कोमल खुर के स्पर्श से अपने आप को बहुत आनंदित समझती होगी, दूसरे की बड़ाई करती थी। मृग कहीं दूर चले जाए तो राजा अन्न जल त्याग देते थे। कुछ समय के बाद राजा का अंत समय आया तो अंत समय मृग को ही याद करते करते मर गए। या मति सा गति, जैसे व्यक्ति की मति हो जाती है वैसे गति मिलती है। दूसरे जन्म में ये मृग हो गए, मृग बन गए। अब यहां आपको क्या सीख मिलती है? भरत ने तो दया किया था ना, कोई पाप तो नहीं किया, एक मृग के शावक को जीवन दान दिया था, फिर इनकी दुर्गति क्यों हो गई? तो देखिए, संसार भगवान की माया नगरी है, किसी के ऊपर ज्यादा दया मत करना। मृग शावक को बाहर निकाल कर आ जाते तो कोई बात नहीं, तुम किसी के जीवन की रक्षा कर नहीं सकते, ये काम परमात्मा का है। किसी गरीब को आप अमीर नहीं बना सकते, ये काम परमात्मा का है। एक बार एक सेठ जी का दामाद बहुत ही गरीब था। सेठानी जी बार बार सेठ जी से बोलती थी, आप इनको थोड़े धन दे दीजिए, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। सेठ जी ने समझाया, प्रिय मैं धन दे सकता हूं, इसके भाग्य को नहीं बढ़ा सकता, भाग्य को सुधारने का काम परमात्मा का है। सेठ जी ने कुछ नहीं दिया तो एक दिन सेठानी ने, जब दामाद आया था तो 5 किलो लड्डू बनाई और उस लड्डू में, हर लड्डू में एक एक सोने की सरफी डाल दी और 5 किलो लड्डू को अपने दामाद को दे दी, जा बेटा
5 किलो लड्डू को लेकर चला। अब देना था तो सोना चांदी हीरे जवाहरात देती, जबरदस्ती का आफत लड्डू को थमा दी। अब इसको मैं ले जाकर क्या करूंगा, घर जाते जाते पसीना छूट जाएगा। रास्ते में हलवाई का दुकान मिला तो वही दुकान में बेच दिया लड्डू को जा। अब हलवाई भी उस लड्डू को ले लिया, वो भी नहीं देखा किसके अंदर सोने की असरफी है। बाद में सेठ जी आए तो बोले घर के लिए थोड़े लड्डू ले जाता हूं। हलवाई को बोले भैया 5 किलो लड्डू दे देना, तो उसी लड्डू के थैला को सेठ जी को थमा दिया। सेठ जी उस लड्डू को लेकर घर में आए और सेठानी को दे दिए, आप भी खाना और सबको बांट देना। सेठानी देखी वही लड्डू, फोड़ के देखी वही सोने की सरफियां, लगता है रास्ता से लूट के ले आए, पता चला होगा। तो सेठानी बोली आप कहां से लाए? सेठ जी ने कहा फलाने हलवाई की दुकान से। अरे तब सेठानी दामान को बोलवाई, मैं लड्डू दी थी उसको कहां के? और बोला भारी था ना तो इसलिए मैं हलवाई दुकान में बेच दिया। सेठ जी ने बताया, प्रिय मैं यही बता रहा था कि इसके भाग्य में भी ये स्वर्ण की असरफियां नहीं थी, हलवाई के भाग्य में भी नहीं, वापस मेरे पास आ गई, ये तो लक्ष्मीनाथ की कृपा है। तो आजकल लोगों में ज्यादा गरीबों की सेवा करने की ज्यादा चिंता है, ऐसे लगता है कि गरीब को हम अमीर बना देंगे। पंडित पूजा पाठ से कई लोग नफरत करते हैं, पंडित लोग तो खा खा के अच्छे मोटे तगड़े हो जा रहे हैं जी, इसलिए गरीब को खिलाएंगे। अच्छा, और गरीब खाकर बढ़िया शराब पीकर टुन्न हो जाए, अपने कर्म से व्यक्ति गरीब होता है। गरीब घर में जन्म लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन जीवन भर गरीबी में मर जाना ये सबसे बड़ा पाप है। तो गरीब अमीर कब होता है? पूजा पाठ से होता है, दान दक्षिणा से होता है, कमाने से कोई गरीब अमीर नहीं हुआ है। नहीं तो सबसे ज्यादा काम करता है खेत में मजदूर, वो ज्यादा धनवान हो जाता, और सबसे ज्यादा आराम करता है अरबपति और खरबपति, उनके कर्मचारी कमाते हैं और हिस्सा बांट लेता है। तो परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जो गरीब है उसको खाने से ज्यादा कुछ नहीं देना चाहिए। आपने पैसा दे दिया और वो बाटली लगाया तो उसके पाप आपको पड़ेगा। तो ब्राह्मण संत मंदिर में दान करना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, ये दिखावा में मत पड़ो, एक से एक पिक्चर आ जाते हैं, ये दान दक्षिणा बंद करो और गरीबों की सेवा करो। अब जो स्वयं भगवान को नहीं मानते, ऐसे अभिनेता ऐसे हीरो क्या उपदेश देंगे? तो साधु संत की सेवा से ही उद्धार होता है, ऐसे उद्धार नहीं होता। दूसरे जन्म में भरत मृग बने, जान रहे थे पूर्व जन्म की स्मृति थी परमात्मा की कृपा से, सबके प्रभाव से, इस कारण सुखे सुखे तिनका बस को खाते थे। प्रेम करने के कारण चक्रवर्ती सम्राट आज पशु बन गया, ऐसे समझ करके दूसरे बार वो सुखे सुखे तिनकों को ही खाते थे। कुछ समय के बाद मृग योनि भी समाप्त हुई, उसके बाद भरत एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए, जिनके 9 पुत्र पहले से थे, 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से 9 पुत्र और दूसरे पत्नी से जुड़वा बालक और बालिका ने जन्म लिया, उसी बालक में भरत जन्म लिए। इस जन्म में भी इसका नाम भरत ही पड़ गया। जब कुछ बड़े हुए तो स्कूल में पाठशाला में गुरुजी पढ़ाने लगे, कबूतर की का खरगोश की खा, भरत ने कान पकड़ लिया। एक बार मृग मृग बोला तो मृग हो गया, फिर एक कबूतर और खरगोश पढ़ा के कबूतर खरगोश बना दोगे लगता है, मेरे को नहीं पढ़ना है। ऐसे पढ़ाई करके अपनी दुर्गति नहीं करानी, पढ़ना है तो सिर्फ ह से हरि, र से राम, क से कृष्ण, ग से गड़े से ही पढ़ूंगा। तो वैसे तो कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है कि जो कृष्ण को पढ़वाए, और ग से गणेश पढ़ा दिए तो सरकार बदल दी, नहीं गणेश मत कहो, सेकुलर हो जा रहा, ग से गधा कहो। अब बच्चा गधा के समान बस्ता लाद कर चले और गधा पढ़े तो कहां से भारतीय संस्कृति का सुधार हो सकता है।
ये पढ़ाई बंद कर दिया, नाम पड़ गया जड़, उस जड़ भरत नाम पड़ा जड़ भरत, जनेऊ संस्कार हुआ इसका। तो ये गायत्री मंत्र जाप नहीं करते थे, बोले दूसरे को दिखा दिखा के पूजा करो तो सब बेकार, अंदर में मन ही मन जाप करने ज्यादा फल मिलता है। अरे नाम जपो वैसे जिह्वा हिले न हो, प्रभु रिझे और करे हृदय पर चोट। जिह्वा और होंठ को हिलाने से क्या फायदा, भगवान रिझ जाए और हृदय पर चोट करे वही बहुत उत्तम है। जीवन बेकार ऐसे जाप करना चाहिए। एक राजा थे, हमेशा भगवान की नाम मन ही मन जपते थे, और रानी बहुत दान करती थी, बड़े जोर जोर से ढोलकी बजा बजा के कीर्तन गाया करती थी, और रानी भगवान से यही मांगती थी कि भगवान एक बार मेरे पति देव भी आपका नाम ले तो मैं भंडारा करवा दूंगी। एक बार सेठ जी सोए थे तो रात में सपना में राम राम बोल दिए, दूसरे दिन रानी भंडारा करवा रही थी। राजा ने बोले किस खुशी में, रानी बोली आज आपने भगवान का नाम लिया। और राजा बहुत दुखी हो गए, जिस खजाना को इतना दिन से छिपा कर रखा था आज प्रकट हो गया। तो भगवान की खजाना ऐसी है, गोपनीय रखना चाहिए। जड़ भरत भी गोपनीय भगवान की भक्ति करते थे, हट्टे कट्टे अच्छे शरीर वाले थे, जब तक इनके माँ बाप तब तक जड़ भरत की सेवा शुश्रूषा की गई। माँ बाप के मरने के बाद जड़ भरत को चोकर की रोटियां दी गई, नौ भाभियां थी घर के बचे हुए अन्न को बासी भोजन को देती थी, फिर भी बड़े प्रेम से खाते थे, अपने भाग्य का समझ कर खाते थे, कोई किसी को कुछ नहीं देता, जिसके भाग्य में जो लिखा रहता है वही को पाता है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, गोली गोली पर लिखा है मरने वाले का नाम, पता नहीं कहां किसको कौन निशाना लगा दे। ये भाग्य से ही मिलता है, बेगारी करता था दूसरे घर और जो मिल जाए उसी को खाता था, रास्ता में किसी का बालक मिल जाए तो कुआं में ले जाकर पटक देता था, शिकायत करने जाते थे तो बोलता था मुक्ति कर दिया। सब लोग डरते थे, पागल को कौन नहीं डरेगा। भाभियों ने कहा ये बैठे बैठे खाता है, कोई कमाता नहीं, थोड़े काम में लगा दीजिए। तो इनके नौ भाइयों ने कहा भाई गांव के बाहर खेत में चना बोए हैं, तू रखवाली करने चला जा। हाथ में डंडा लेकर गांव के बाहर खेत पर चला गया। झुंड की झुंड पक्षियां उतरी, जड़ भरत ने विचार किया ये पक्षियां किसकी हैं? तो ये पक्षियां राम के, ये खेत किसका? अभी हमारा है, पहले किसी और का, लेकिन सबसे पहले तो ये राम का है। ये राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, और ये चना किसका? ये भी भगवान का है। तो फिर राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, राम जी के चना को खाए तो हमारा क्या जाता है? कीर्तन करने लगा, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर खेत, खाओ चिड़िया भर भर खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर के, खाओ चिड़ैया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर के, खाओ चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम राम जी का खेत, खाओ चिड़ैया भर भर पे, खाओ चिड़ैया भर भर पे।